हेलो व्यूअर्स, आज हम ये स्कार्फ रेडी करेंगे अपने वीडियो में। इस स्कार्फ का हम मास्क भी बना सकते हैं, तो हमारे डबल पर्पस का ये स्कार्फ बना है। इस स्कार्फ को बनाना भी एकदम इजी है, तो बनाने से पहले मैं इसको पहनना बताऊंगी कि कैसे हम इसका मास्क पहन सकते हैं और कैसे हम इसका स्कार्फ पहन सकते हैं। सबसे पहले इसे स्कार्फ की तरह पहनेंगे, जैसे ये मैंने पकड़ा हुआ है ऐसे हम लगाएंगे और ऐसे पीछे बांध लेंगे। ये देखिए एकदम हमारा परफेक्ट फिटिंग बैठा है। अब हम अपने स्कार्फ को मास्क के टाइप में पहनेंगे, जैसे ऐसे पहनेंगे, इलास्टिक वाली साइड नीचे जाएगी और इस तरह से हम पीछे बांध लेंगे। ये देखिए हमारा एकदम मास्क के जैसा हो गया। तो ये हमारा डबल पर्पज मास्क प्लस स्कार्फ बना है। स्कार्फ बनाना शुरू करते हैं। स्कार्फ बनाने के लिए ये मैंने कपड़ा लिया है, ये कॉटन का कपड़ा है। इस कपड़े को मैंने ऐसे फोल्ड कर लिया है। ये हमारा मेजरमेंट में यहां से 19.5 इंचेस है, इस साइड से हमारा 12 इंचेस है। अब हमारी ये साइड है, यहां से मैं 2 इंच पे निशान लगाऊंगी, ऐसे हमारा पूरा 2 इंच आएगा। ये हम पूरी 2 इंच की निशान लगा लेंगे यहां पे। अब ये निशान है, यहां से मैं 9 इंच पे निशान लगाऊंगी इस साइड में। इसके बाद हमारा ये कॉर्नर है, यहां से इस कॉर्नर तक हम निशान लगाएंगे। ये निशान हम कॉर्नर से लगाएंगे और ये वाला निशान हमने यहां पे 2 इंच छोड़ा है वहां तक लगाएंगे। अब ये निशान हमारा यहां तक लग गया है। अब ये कॉर्नर का निशान है, यहां तक हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे। और ये निशान हमने जो लगाया था इसको हम ऐसे राउंड में यहां मिला देंगे ऐसे। इसके बाद हम यहां से 1 इंच पे एक्स्ट्रा लेंगे, ये पूरे में यहां तक, और ऊपर की साइड भी हम 1-1 इंच पे ऐसे निशान लगा लेंगे। ये निशान हमारा ऐसे राउंड में है, ये भी हमारा यहां तक ऐसे राउंड में आएगा। अब हमारी मार्किंग हो गई है, अब हम कटिंग करेंगे। जैसे ये लाइन है हमारी, इसको हम कट करेंगे। अब यहां से हमारी कटिंग हो गई है। अब इसके बाद हम यहां से इस कॉर्नर से लेके यहां तक 11 इंच पे निशान लगाते हैं ऐसे। ये मैंने ऐसे मार्किंग कर दी है, दूसरी साइड भी हम ऐसे ही कर लेंगे। अब हम कपड़े को ऐसे पूरा खोल देंगे अपने स्कार्फ को। अब हमारा ये निशान ये है जो यहां पे हमारी इतने में इलास्टिक आएगी, तो हम यहां से इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे एक फोल्ड, और दूसरा फोल्ड ये जो हमने लगाई है लाइन इसके ऊपर ऐसे फोल्ड कर लेंगे। और यहां पे मैं पिन लगाती हूं, ये मैंने एक पिन लगा दी है। ऐसे ही हम फोल्ड करते जाएंगे कपड़े को और पिन लगाते जाएंगे। अब ये पिन्स मैंने ऐसे लगा दी है पूरे में, यहां पे भी। ये पिन लगाने के बाद हम सिलाई लगाएंगे यहां से लेके, ये निशान लगाया है इतने पार्ट में हम सिलाई नहीं लगाएंगे, बाकी हम यहां से यहां तक, ये भी मैंने एक निशान लगाया, यहां भी हम सिलाई नहीं लगाएंगे इतने पार्ट पे, बाकी हम पूरे में सिलाई लगाते हैं। ये सिलाई मैंने लगा दी है यहां तक पूरे। अब हमारा ये निशान और ये निशान है, यहां पे हमारी इलास्टिक आएगी। ये मैंने इलास्टिक ली है, ये हमारी 10 इंचेस है। इस इलास्टिक को हम सेफ्टी पिन में ऐसे अटका लेंगे। उसके बाद ये पार्ट है हमारा, यहां पे हमने सिलाई नहीं लगाई, यहां से हम ऐसे सेफ्टी पिन को डालेंगे और इलास्टिक भी हमारी इसमें से यहां तक डलेगी। ऐसे हम सेफ्टी पिन को आगे करते जाएंगे और इलास्टिक हमारी ऐसे अंदर जाएगी इसके। ये मैंने इतना डाल दिया है, ये इलास्टिक हमारी ऐसे निकल जाएगी, ऐसे अगर आगे आगे करेंगे तो यहां से निकल जाएगी, तो हम यहां पे पिन लगा लेंगे सेफ्टी के लिए। अब हमारा ये दूसरा निशान आ गया है यहां पे, यहां पे हम पिन को ऐसे निकाल लेंगे और ये हमारी इलास्टिक भी इधर आ जाएगी ऐसे। अब ये इलास्टिक हमारी इस साइड आ गई है, यहां पे हमारा निशान है, यहां पे हम पिन लगा के सेट कर देंगे ऐसे।
अब ये इलास्टिक यहाँ पे हमारी सेट हो गई है। अब हम यहाँ पे दो सिलाइयां लगाएंगे और ये हमने जो छोड़ी है सिलाई उसको भी हम सिल देंगे इधर से। तो दोनों साइड सिलाई लगाती हूँ। अब हमारे स्कार्फ में ये इलास्टिक सेट हो गई है। इसके बाद ये हमारे कॉर्नर है, यहाँ पे भी हम एक फोल्ड करके ऐसे करके सिलाई लगाते हैं इस साइड भी। अब ये सिलाई मैंने लगा दी है ऐसे। अब हमारा ये लाइन हमने 2 इंच पे लगाई थी, इसको हम फोल्ड करेंगे। तो पहले हम ऐसे छोटा सा फोल्ड करेंगे और फिर हम दूसरा फोल्ड ऐसे करेंगे। अब ये कपड़ा ऐसे पहले फोल्ड करके, ये हमारा निशान है, यहां से ऐसे थोड़ा फोल्ड करके फिर हम ऐसे फोल्ड करके पिंस लगा के सेट करती हूँ मैं कपड़े को। अब ये पिंस मैंने लगा दी है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ऐसे फोल्ड किया हमने कपड़ा तो ये कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा ऐसे आ गया है। ये ऐसे हमने फोल्ड किया था, ऐसे इतना कपड़ा हमारा बाहर को है, तो यहां से हम कट कर लेंगे। इसके बाद हम इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करके इसके अंदर में ऐसे कर देंगे। और ये हमने फोल्ड किया था, एकदम हमारा ये बराबर आ जाएगा ऐसे। ये मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया। अब हम यहां से लेके पूरा सिलाई लगाएंगे यहां तक, और ये दूसरी साइड है, इसको भी हम ऐसे ही फोल्ड करेंगे। अब हम यहां पे सिलाई लगाते हैं। ये सिलाई मैंने लगा दी है, ये हमारा ऐसे कॉर्नर बन गया है। ये देखिए, ये पूरा सिलाई मैंने यहां पे, ये दूसरी साइड भी हमारा ऐसा कॉर्नर है। अब हमारा स्कार्फ बन के रेडी हो चुका है। अब हम अपने स्कार्फ को पहनेंगे कैसे, तो मैं अभी पहन के बताती हूँ। अब हम सबसे पहले इसे स्कार्फ की तरह पहनेंगे, जैसे ये मैंने पकड़ा हुआ है ऐसे हम लगाएंगे और ऐसे पीछे बांध लेंगे। ये देखिए एकदम हमारा परफेक्ट फिटिंग बैठा है। अब हम अपने स्कार्फ को मास्क के टाइप में पहनेंगे, जैसे ऐसे पहनेंगे, इलास्टिक वाली साइड नीचे जाएगी और इस तरह से हम पीछे बांध लेंगे। ये देखिए हमारा एकदम मास्क के जैसा हो गया। तो ये हमारा डबल पर्पज मास्क प्लस स्कार्फ बना है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।